आज हम आपको एक ब्रेड बोर्ड के बारे में बताएंगे। ये हम आपका ब्रेड बोर्ड है। इसका प्रयोग खासकर लेबोरेटरी या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जहाँ प्रैक्टिकल होता है या फिर जहाँ टेक्निकल की पढ़ाई होती है उसको कॉलेजों में किया जाता है। इसमें प्रैक्टिकल करके कोई चीज़ का अगर कोई सर्किट बना रहे तो इसमें प्रैक्टिकल करके हम उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें आपस में कनेक्टेड कैसे होता है सर्किट। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर ये 10 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 10 है, तो आपस में 5 को यहाँ से लेके ये 5 लाइन आपस में कनेक्टेड होते हैं, फिर नीचे वाला आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरा ये 10 यहाँ से आपस में कनेक्टेड होते हैं, ये यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ऐसे कनेक्टेड नहीं होते हैं, इस तरह कनेक्टेड इसमें नहीं होते हैं। सेम इधर भी सेम है, यहाँ से 5 तक ऊपर, यहाँ से 5 तक नीचे, यहाँ से 5 तक ऊपर, यहाँ से 5 तक नीचे। लेकिन इसमें दूसरा है, इसमें आपस में ऐसे कनेक्टेड नहीं होते, आपस इसमें ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कनेक्टेड होता है। इसमें इस तरह होता है, इस लाइन बाय लाइन इस तरह कनेक्टेड होते हैं। इसका यूज कैसे है, जैसे कि हम एक अभी एक आईसी लगा रहे हैं, आईसी लगा रहे तो इस तरह लगा दिए। ठीक है, देखिए अलग अलग पिन में लग गया। अब इससे जहाँ भी हमको आउटपुट ले जाना है इस तरह वायर लेके, सपोज देर इसका पिन नंबर 1 से आउटपुट लेता है, आउटपुट यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट करके डायरेक्टली इस तरह हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसे 5 वोल्ट सप्लाई दे दें, इसको हमको 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए इस लाइन में, तो यहाँ से इस तरह कनेक्ट करेंगे और जहाँ इसको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ कर देंगे। ठीक है, इस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।